नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि मेरी गाड़ी की जो फ्रंट सीट है उस पर इस तरह के वाइट कलर के सीट कवर लगे हुए हैं। एक्चुअली ये सीट कवर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मैं तो बोल रहे थे सर ये जो सीट कवर आपने लगाए हैं ये कहाँ से लगवाए हैं, क्या बेनिफिट है। तो अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि ये टोबल है, और जब मैंने गाड़ी ली थी उसके बाद ही जो है इसको खुद ही इंस्टॉल किया था। तो ये जो वाइट टोबल होते हैं दोस्तों, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जो हमारे पुराने मित्र हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनको तो पता है इस टोबल के बारे में और इसका बेनिफिट भी पता है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन कुछ व्यूअर हैं जो कि पूछ रहे हैं कि सर इसको आपने क्यों लगाया है, कवर है कि टोबल है, या फिर इसको लगाने का क्या फ़ायदा है, हम किस तरह से लगा सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जब मैंने गाड़ी परचेज़ की थी उसके कुछ दिन बाद ही सीट कवर लगाने के बाद मैंने इसको खुद ही लगाया है। ये जो टोबल है ना दोस्तों, वाइट टोबल है, आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और बिग साइज़ के टोबल है ये। तो अगर आपके पास कोई भी गाड़ी हो तो बिग साइज़ का अगर आप टोबल लेंगे तो आप भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे की। दोस्तों, सर्दियों में तो इतना ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है गर्मियों में इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब गर्मी में सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि जब आप अपनी गाड़ी को धूप में खड़ा कर देते हैं, उस दौरान डायरेक्ट सनलाइट आने पे आपकी गाड़ी का जब इंटीरियर गर्म हो जाता है, और अगर आपकी गाड़ी में ये टोबल या सीट कवर इस तरह के नहीं लगे हुए हैं, तो फिर आपकी गाड़ी की सीट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। क्योंकि ये जो मटेरियल होता है रेगजीन का या लेदर का, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे आप गाड़ी में बैठेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। इसका दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट बता देता हूँ मैं आपको। जब हम गर्मियों में गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो जो हमारा बैक सपोर्ट होता है ये, तो यहाँ पर जो है हमारी जो बैक होती है गाड़ी को ड्राइव करते समय, जब हम यहाँ टिकते हैं तो पसीना आने लग जाता है, पूरा पसीने के कारण गीला हो जाता है। लेकिन जब आप ये टोबल लगा लेते हैं तो फिर आपको ये परेशानी नहीं होती, पसीना नहीं आता है, और काफ़ी कंफर्टेबल भी फील होता है। गर्मी में आप जब गाड़ी को चलाएंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल भी लगता है। हालांकि दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ दिखाना चाहूँगा। देखिए, मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको नहीं लगाया, इसको यूज ही नहीं किया, ये पड़ा हुआ है काफ़ी समय से, क्योंकि टोबल लगाने के बाद मुझे इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बहुत से मित्र जो है ये भी लगा लेते हैं ताकि पसीना ना आए गर्मी में, लेकिन अगर आप टोबल इंस्टॉल कर लेते हैं या सीट कवर इंस्टॉल कर लेते हैं अच्छी क्वालिटी के, तो फिर ये इशू नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर टोबल लगा रखे हैं। और कुछ मित्र ये भी कह रहे थे कि रियर सीट पर जो है आपने क्यों नहीं लगाया है टोबल, तो जो रियर सीट है उस पर मैंने नहीं लगाए हैं, उसको लगाने का तरीका क्या है अगर वो जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है मैंने सेफ्टी पिन से इसको इस तरह से लगाया है। और अधिक जानकारी के लिए मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, अगर आप इस तरह के टोबल को अपनी सीट में लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं वीडियो में देखकर। ठीक है, अब बात करते हैं रियर सीट की। एक्चुअली दोस्तों, रियर सीट में जो है हर समय पैसेंजर अवेलेबल नहीं होते, और जो टोबल है मेरे पास दो ही अवेलेबल थे, क्योंकि ये मुझे किसी ने गिफ्ट में दिए थे, फ्री में दिए थे, तो मैंने जो है रियर सीट पर नहीं लगाया। और रियर सीट पर लगाने का जो तरीका है, अगर आप जानना चाहते हो तो इसको आप जो है सिंपली इस तरह से डाल सकते हैं दोनों तरफ, बाकी इसमें कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है रियर सीट में हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल नहीं है, अगर एडजस्टेबल होंगे तो आप खड़े में लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से लेटाल कर भी डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन इसको लगाते समय फ्रंट सीट में थोड़ी सी दिक्कत आती है सेफ्टी पिन से अगर आप लगाएंगे, अदरवाइज आप इसको इस तरह से लपेट के, यहाँ पर जो है इलास्टिक होती है, आप बनवा लीजिएगा किसी भी टेलर शॉप से, तो इलास्टिक भी लगा सकते हैं। बाकी इसको किस तरह से मैंने लगाया इसके बारे में, जैसा कि मैंने कहा, आई बटन में लिंक दे दिया है, आप वो देख लीजिए। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि जो वाइट टोबल होते हैं उनको लगाने का क्या बेनिफिट है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप टोबल खरीदते हैं तो मोटा साइज का खरीदिएगा, जिससे जो है ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। तो इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो टोबल की क्वालिटी है, बहुत ही हाई क्वालिटी का टोबल है ये, और इसको मैं करीब 5 साल से यूज कर रहा हूँ, और बिग साइज़ का टोबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने दिया हुआ है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। तो अभी आपको दोस्तों पता चल गया होगा टोबल को लगाने का क्या फ़ायदा है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, अगर आप वाइट कलर के जो सीट कवर लगवाते हैं तो उनमें प्रॉब्लम ये आती है कि उनको खोल के वॉश करने में दिक्कत आती है, जबकि टोबल में क्या है, आप निकालो तुरंत वॉश कर लो, क्योंकि वाइट कलर के जो टोबल या सीट कवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं।
ठीक है, तो उनको निकालने में प्रॉब्लम आती है, वॉश करने में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि निकालो और फिर लगाओ, जबकि टॉवल को आप तुरंत निकाल के धो के फिर से लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो है व्हाइट कलर के जो सीट कवर है वो नहीं लगवाए। और दूसरी बात, व्हाइट कलर के जो सीट कवर होते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि टॉवल की होती है, उनकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, इसलिए मैंने जो है वो सीट कवर नहीं लगवाए। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप अपनी गाड़ी में इसको इंस्टॉल कराएंगे तो गर्मियों में काफ़ी राहत रहेगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।